अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए अंकिता भंडारी के बारे में? क्या कहना चाहिए मैडम अंकिता? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिलाओं के खिलाफ उंगली उठाने वालों पर भी काली माता बनकर टूट पड़ने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या के सवाल पर भाग खड़ी होती हैं। दरअसल उत्तराखंड में एक चुनावी प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी गई होती हैं। यहां पर अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में पत्रकार द्वारा स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जाता है, लेकिन सवाल को सुनते ही स्मृति ईरानी के चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं। वो मुस्कुराती हैं और सर नीचे झुकाकर वहां से भागने की कोशिश करते हुए कहती हैं, धक्का मत दीजिए प्लीज। अब इस वीडियो को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की आलोचना हो रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है, ये देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़े सवाल पर भागने लगी, इनको सर माननी चाहिए। अंकिता भंडारी की हत्या में सीधे तौर पर बीजेपी के लोग शामिल थे। अंकिता का परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के एक रिसोर्ट में उनके बेटे पुलकित आर्य द्वारा अंकिता भंडारी पर यह दबाव बनाया गया था कि हमारे रिसोर्ट में एक स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए रात की व्यवस्था तुमको देनी है, जिसका विरोध करने पर अंकिता भंडारी की हत्या पुलकित आर्य और उनके दोस्तों द्वारा की गई। हालांकि अभी पुलकित आर्य जेल में है, उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन न्याय की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और उनके आरोपी बेटे को बीजेपी की तरफ से कोई मजबूत कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इस बात को लेकर स्मृति ईरानी से सवाल पूछा जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से इस मामले पर समय समय पर सवाल पूछा जाता रहता है, लेकिन महिला की शक्ति और महिला पर वोट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पीएम मोदी साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सवाल सुनते ही वहां से भाग निकलती हैं। स्मृति ईरानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नेहा राठौर ने कहा, अंकिता भंडारी जैसी लड़कियां स्मृति ईरानी जी के लिए देश की बेटी नहीं है, इनके लिए सिर्फ कंगना रनौत ही देश की बेटी है, क्योंकि वो भाजपा की प्रत्याशी है। अंकिता भंडारी के सवाल पर मुंह छुपाकर भाग रही है, संवेदना के दो शब्द भी नहीं बोल सकी। स्मृति ईरानी जी, थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी आपको, उत्तराखंड की पवित्र धरती पर खड़ी थी ना। अंकिता भंडारी के दोषी कौन है स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूं, आप ही के भाजपा के बड़े नेता के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को गलत काम करने के लिए एक बार बार कहा जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया और उसके बदले में उसे मौत के घाट पे उतारने वाले आपके भाजपा नेता और उनके रिजॉर्ट में यह अपराध होता है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।